نحمده ونصلي على رسوله الكريم المعاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم سمرت لجدر مقلطاف على الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى بعضه، ومنهم من تأخذه النار إلى بعضه، ومنهم من تأخذه النار إلى حسنه، ومنهم من تأخذه النار إلى قوته، ومنهم من تأخذه النار إلى حسنه، ومنهم من تأخذه النار إلى ضربته ومسلم. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث بات پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کے اندر جہنم کے حوالیوں کا تذکرہ، اس کے عذاب کا تذکرہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس جہنم کا تذکرہ جس سے بچنے کی بار بار تاکید قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منتا اور نار ہوگا کعبہ۔ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے تکھنے پر آگ جلائے، ومن ہم منتا اور نار ہوگا پتہ ہی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں آگ کچھ اور بات کرتے ہو، آپ کے سامنے کچھ اور بات ہو، دوسرا
सारे लोगों को हावजा करता था दाखिल करके इन तमाम तौबात से और इन तमाम अज़ाबात से तौबा की तरफ से ताकी की है नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकी की है तिर्मिज़ी की रिवायत है और नमाज़ा के अंदर ये रिवायत मौजूद है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों गम वाले कुएं से अपने आप को बचाओ लोगों गम वाले कुएं से अपने आप को बचा लो अल्लाह की पनाह हो जाओ सहाबा इकराम ने कहा था कि ये गम वाला कुआ है ये गम वाला कुआ क्या है तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम वाले कुल्ला यौम अरबा में अदिबा ये वादी एक जहन्नम की वादी है मेरे साथियों ये अब वाला कुआ जहन्नम की वादी है जिससे जहन्नम खुद एक मरतबा नहीं दो मरतबा नहीं कुल्ला यौम अरबा में अदिब मरा दिन हर दिन खुद जहन्नम उस वादी से 400 मरतबा अल्लाह की पनाह है अल्लाह पर आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक और कितनी बुरी जगह है वो कि जहन्नम खुद जिसको अल्लाह ने गुनाहगार और मुतकब्बिरों से इंतकाम लेने के लिए जिसे कहा फरमाया है बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज बताएं वो जहन्नम खुद अपने उस वादी से बंदा से 400 मरतबा दिन भर में अल्लाह से बात करता है 400 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर चलो तुम भी उस गम वाले लोगों में से अल्लाह की पनाह तलब उसमें कौन लोग दाखिल होंगे किसके लिए वो तैयार किया गया तो आपने कहा वही दलील कुरान कुरान की नहीं माना वही नहीं कहा दलील कुरान कुरान का पर दलील में ऐसे बोल रहा होगा बिजली का था है आपने कहा मेरे साथ में ये उन लोगों के लिए तैयार किया था कुरान है जो कुरान है बता है कहा जो कुरान है बता है कहा बीस पढ़ते हैं बता है कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की ना बिगाड़ा है नियत क्या है उनकी नियत जो है रियाकारी अपने आवाज को करते हैं लेकिन रिया नियत है दिखावा मकसद है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी के लिए ये चाहता हूं कि वाकई अल्लाह ने तैयार कर दिया वही कामी का फजल कुरान और अल्लाह की बात अल्लाही में यजूर तौबा क्या नबी फरमाते और अल्लाह की नजर का सबसे बदतरीन तौबा वो लोग हैं जो जालिम हुक्मरानों के पास आते जाते रहते हैं जालिमों जालिम हुक्मरानों के पास आते हैं जाते हैं चाबू से करते हैं आप देख रहे होंगे फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप में मैसेजेस आते रहते हैं कभी इंदौर के अंदर कभी दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर तो जो है जाते हैं उठाते हैं लोग ऐसे अरे दूसरों के खिलाफ जो है चाबू से करते हैं अरे दूसरों के खिलाफ हुक्मरानों को जालिम आपने देखा तो कर होने की जरूरत नहीं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही नबी का फजल कुरान अल्लाह ही आना अल्लाह ही का यजूर रहा सारे हुक्मरानों के पास आना जाना कर रहा था ऐसे ही लोगों के लिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को तैयार करता है इस बात को तो अगर आप उसकी ताकीद नबी ने फरमाया वादी की जगह पर आए और बोल रहे हो जगह आप ऐसी वादी से अल्लाह की पनाह तलब करो जिस वादी से लोग जहन्नम एक नहीं 400 मरतबा जहन्नम पनाह तलब करती है एक हदीस कहता है इंशा अल्लाह की बात को समझ आएगा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बुखारी मुस्लिम के अहमान है हजरत अली के हाथ में रखे अल्लाह तआला ने बयान फरमाते एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग को याद किया और याद करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथियों जहन्नम की आग से अपने आप को बचा और फिर आपने अपने चेहरे मुबारक को पीछे हटा फिर दूसरी मरतबा आपने जहन्नम की आग को याद किया और फिर आपने अपने चेहरे मुबारक को पीछे हटा लिया और आपने कहा मेरे साथियों काम को जहन्नम की आग से बचा वहां क्या हदीस कहते हैं मैंने ये काम किया कि शायद आप अपनी आंखों से जहन्नम की आग को देख रहे इसलिए आप बार बार अपने चेहरे पर को पीछे हटा लें फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार और इत्तकुन्नार और फरमाया कि जिन पर करे तो इत्तकुन्नार लोगों जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ आज से एक टुकड़ा वजूद का एक टुकड़ा ही सकता करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो फमन नम जिन पर करे तो इत्तकुन्नार अगर तुम सदका वगैरह ना कर सको तो कम से कम अपने जुबान से अच्छी बात फिर कई बार तुम कहते हो तुम असल बात को भलाई और खैर की काम है अपनी जुबान से कर दो बस अल्लाह तुमसे राज हो जाएगा और जहन्नम की आग से बचाओगे तो कैसे जहन्नम की अजाब से बचने मुख्तलिफ अंदाज है नबी ने भी और अल्लाह तआला ने भी ताकीद की है कैसे जहन्नम से अपने आप को बचाओ अल्लाह से दुआ है
जिसने तीन मरतबा उस पर खातिम की रिवायत है और सही जाने सही के दरबार के अंदर अल्लाह अल्लाह ने अब्दुल्लाह के हदीस की सनद से इकरार किया हजरत अनस बिन मालिक को भी बार बार कह रहे कि जिसने तीन मरतबा जहन्नम से मरतबा की पुनः पर कर दी अल्लाह अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम भी कहती है कि अल्लाह इसे जहन्नम से निकाल दे मन से अल्लाह जन्नत का खुदा बनता है काल की जन्नत पर बार बार से हो जाता है वो इस तरह का नाम खुदा बनता है काल का अल्लाह Thank you.